नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आपने टाइटल में देखा है, थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी पे हमारे काफ़ी अच्छे कोर्सेज चले हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिससे आप अपनी फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके बाद जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इससे भी आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप घर बैठे अपने टाइम को यूज़फुल बना सकते हैं, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट और काफ़ी सारी चीज़ें फ्री मिलेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर काफ़ी टाइम से वैकेंसीज नहीं आई हैं, और इसके बाद आपको पता होगा काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एसटेट भी इनवैलिड हो गया है, उसकी वैलिडिटी भी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठता है कि अगर आप एसटेट कराते हैं और इसके बाद वैकेंसीज नहीं निकालते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बहुत सोचने वाली बात है। जैसे दो साल का जैसे बच्चों ने डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर उनकी ट्रेनिंग लगाई गई। ट्रेनिंग लगाने का मतलब ये कि जैसे टीचर तो वो लगा नहीं रहे, इसके बाद क्या होता है कि ट्रेनिंग लगाने के बाद वो जो जिन्होंने जेबीटी करी है, डीएड करी है, वो ही वहाँ पे टीच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत फिर रहती नहीं, ठीक है। ऐसे इन्होंने किया, हालांकि पहले ये भी कहा गया था कि पैसे मिलेंगे, लेकिन मोस्टली बच्चों को पैसे नहीं मिले, वहाँ पे फ्री इनसे ट्रेनिंग कराई गई। इसके बाद फिर एसटेट में बच्चे मेहनत करके, जी जान लगा के इन्होंने मेहनत करी, और इसके बाद फिर भी कोई वैकेंसीज नहीं आई। एसटेट के फॉर्म भरे, लाखों करोड़ों रुपये सरकार ने कमा लिए, और इसके बाद भी अभी तक कोई वैकेंसीज नहीं आई है। अभी ये सब छोड़िए, इसके बाद एक ऐसी घटना मेरे सामने आई है जिसने मुझे काफ़ी दुखी किया है। हालांकि मैं वीडियो भी बना नहीं रहा था बीच में, लेकिन इस घटना ने मुझे मजबूर किया कि वीडियो बनानी चाहिए। तो अभी क्या है, पति और मैं दिव्यांग, बेटा कैंसर पीड़ित, भर्ती निकली नहीं, किडनी बेचने की इजाज़त दो। तो साथियों, यहाँ पे एक दिव्यांग महिला है जो सरकार से किडनी बेचने की इजाज़त मांग रही है, और बोल रही कि मेरा बेटा कैंसर पीड़ित है, मेरे पास कोई और साधन नहीं है, भर्ती निकली नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती, जहाँ पर एक दिव्यांग महिला, एक तरफ तो बात की जाती है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि मोस्टली जो ये जेबीटी का कोर्स होता है महिला करती हैं, और ऐसे में उन महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जाता। आप देखिए, एक बार जाके एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर कितनी बार हरियाणा के स्कूलों में आए हैं, इतनी गंदी हालत हुई पड़ी है स्कूलों की। और मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा, हर जगह आप जाके देखें तो स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, सरकारी स्कूलों की। और ऐसे में अब की बार तो ऐसा भी हुआ है, काफ़ी सारे एडमिशन सरकारी स्कूलों में भी आए हैं ये कोरोना के बीच, काफ़ी सारे एडमिशन सरकारी स्कूलों में भी आए। लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है कि सरकार एक तरफ वादे करती है कि आपकी वैकेंसीज आएगी, लेकिन एक तरफ वो कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसे कैसे, और ये तो उस वर्ग के साथ हो रहा है जो शिक्षित वर्ग है, उस वर्ग के साथ इतना गलत हो रहा है जो समाज का निर्माण करता है। तो ये अपने आप में बहुत तो दुखद बात है। और इसके बाद जो ये महिला मांग कर रही है कि मुझे किडनी बेचने की इजाज़त दो, तो इसका मतलब इससे गलत, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि एक शिक्षक को किडनी बेचने की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि एक दिव्यांग महिला, तो ऐसे में ऐसी सरकार होने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, जो इन महिलाओं के साथ, जो इन बच्चों के साथ, जो इन टीचर वर्ग के साथ इतना गलत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब वो राजनीति के चक्कर में इनको पीसा जा रहा है, और पता नहीं आगे देखते हैं क्या होता है। तो बड़ा दुख हुआ। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरी वीडियो कहीं तक पहुँचती है, कि प्लीज़ इस पर जो भी कोई सपोर्ट करें इस महिला को भी, कुछ सोचा जाए इस शिक्षक वर्ग के बारे में भी, और मुझसे भी जितना होगा मैं चाहूँगा, इवन मैं एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से भी इसके बारे में बात करूँगा कि सर इसके बारे में कुछ सोचा जाए। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।